हेलो फ्रेंड्स, साहिबी साहिब किचन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई एक नई रेसिपी लेकर, टेस्टी एंड हेल्दी गार्लिक दाल तड़का एंड जीरा राइस। चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया है 50 ग्राम तूर दाल। तूर दाल को अरहर दाल भी बोला जाता है। पचास ग्राम मसूर की दाल, इस दाल को दो से तीन बार अच्छा से वॉश कर लेंगे। अब हम इस दाल को भिगा कर रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। यहाँ पर एक घंटा या उससे ज़्यादा भी भिगाने की ज़रूरत नहीं है। यह एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम डालेंगे भिगा हुआ दाल, एक ग्लास पानी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच तेल। तेल डालने से दाल जल्दी गल जाएगी। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 300 ग्राम पानी डाला है। इसका ढक्कन बंद करेंगे और 5 विजल आने तक कुक करेंगे। पांच विजल हो गया है, ढक्कन को खोलेंगे। आप लोग देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से गल गया है। यहाँ पर हम दाल को मैश नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तड़का के लिए एक बड़ा सा टमाटर चॉप किया हुआ ले लिया है, 5 से 6 गार्लिक ले लिया है चॉप किया हुआ, 2 अनियंस चॉप किया हुआ, क्रश गार्लिक यहाँ पे 4 से 5 है और 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ। एक मोटी सी कढ़ाई लिया हमने, उसमें ऑयल डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। यहाँ पर कुछ खड़े मसाला लिया है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा मेथी सीड्स। यहाँ हम इसे डाल देंगे। गार्लिक चॉप किया हुआ उसको डालेंगे, यानी कि लहसुन। हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा भूनेंगे ब्राउन होने तक। ब्राउन हो गया है, यहाँ पर हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर गलने तक हम पकाएंगे। यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। पहले हमने डाला था हल्दी पाउडर, इसीलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भूनेंगे थोड़ी देर। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। इस दाल को हम थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेंगे। और
तड़के में डाल देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे हाई फ्लेम पे। हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। अच्छा से मिलाएंगे, उबाल आने तक इंतजार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ रही है दाल में। यहाँ पर हम दो से तीन मिनट तक दाल को पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुका है, दाल हमारा बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पर हम स्टोव को बंद कर देंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम लगाएंगे लहसुनी दाल तड़का, इसीलिए हमने ले लिया यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच घी और लाल मिर्च ले लिया है 2 से 3 और लहसुन को हमने यहाँ पर चॉप कर लिया है, डाल देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होने पर स्टोव को हम बंद कर देंगे। स्टोव हमने बंद कर दिया है। हम अभी यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमारा तड़का रेडी है। इस तड़के को हम दाल में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी तड़का दाल रेडी है। दाल को हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने राइस को पहले से कुक करके रखा था, इसको हम तड़का लगाएंगे। 2 से 3 चम्मच घी हमने यहाँ पर ले लिया। 1 चम्मच सहा जीरा डाल दिया। थोड़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पर स्टोव बंद कर देंगे और चॉप्ड धनिया पत्ता हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मैंने चावल में पहले से नमक डाल के उसको उबाला था। तड़के को हम राइस में डालेंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जीरा राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, हमारा गार्लिक दाल तड़का और जीरा राइस रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप लोगों को हमारा रेसिपी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।